ये कहानी है नताशा नाम की एक लड़की की, जो अपना फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ ही रिलेशन बनाती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है नताशा और ये 2015 में रिलीज हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिस पर मैं इससे भी अच्छी अच्छी मूवीज एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट करें, तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। मूवी स्टार्ट होती है और हम 16 साल के मार्क को देखते हैं, जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अब यहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसके गर्म हथौड़े को ठंडा किए बिना ही वहाँ से चली जाती है, तो मार्क भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर मार्क मियाँ खलीफा की वीडियो देखता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसकी मोम उसे उठाने आती है। वो मार्क से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले है। इसके बाद मार्क के घर मार्क के अंकल और जीना आते है। जीना जो की रशिया से थी, जब जीना सबको खाना सर्व कर रही थी तब मार्क जीना को घूरने लगता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कि कैसे जीना के ड्रेस की वजह से सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वहां उनकी मोम आती है और वो उन्हें बताती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा और हमें किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी भी है, जिसका नाम नताशा था, जिसे लाने के लिए जीना रशिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं, तब सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, जहाँ पहली बार मार्क नताशा से मिलता है, जो कि 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। इसीलिए मार्क की मोम मार्क को बताती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसीलिए उसे अपना घर दिखाने ले जाओ। तो मार्क नताशा को घर दिखाता है और साथ ही अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो, तो मार्क कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया। ये सुन के मार्क चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मैं अब तक 100 आदमियों के साथ कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कर सकती हूँ। ये सुन के मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मोम से शादी कर ली है और इस वजह से अब हम दोनों कजन हुए। ये सुन के नताशा मार्क से कहती है कि मैं अपनी मोम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने खुद देखा है। इस पर मार्क एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मोम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं है। यहाँ मार्क उसकी मोम की बातों को तो सुन रहा था, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसे बताती है कि नताशा को हमेशा अकेला रहना पसंद है और वो अलग है, अगर कभी वो मार्क से गुस्सा हो जाती है तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मोम उसे बाहर बुलाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा चल रहा था, इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, तो मार्क भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा बताती है कि वो अपनी मोम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे यहाँ लाकर उसने नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूफस से मिलती है, लेकिन इसके बाद नताशा हमेशा मार्क से रूफस के बारे में ही पूछने लगती है। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूफस यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा था तब नताशा उससे मिलने आती है, जहाँ वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेके बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है, जिसे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। तो अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तब मार्क उसे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेके उसके लैपटॉप को यूज करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप को ऑन करती है उसे उसमें से मियाँ खलीफा की वीडियोस दिखती है, जो मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपनी न्यूज फोटोज दिखाने लगती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि वो भी गंदे वीडियोस बनाती है। अब यहाँ नताशा मार्क को सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा मार्क को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ही ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसकी मोम को भी पता चल गया था और वो ये सब पैसों के लिए ही करती थी।
और उसकी मम उसके पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद ये दोनों हर रोज मिलने लगे और उन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इसी बीच मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसीलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकी हुई थी। रात को दोनों चैटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्क के कमरे में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। जहां नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहां पूरी जिंदगी रह सकती। तब मार्क उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहां आ सकती हो। इसके बाद नताशा मार्क से कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और यहीं रहेगी। तब उसकी मां उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहां क्यों रहना चाहती हो। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या करती हो। इस बात पर नताशा एकदम गुस्सा हो जाती है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्क के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी जीना के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है जहां वो जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कई बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने को कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के घर जाती है और मार्क को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती है कि क्या वो भी आना चाहेगा। आगे वो बताती हुई कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्क उसे अपने बचाए हुए पैसे दे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नताशा अपना सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच बात का पता ही नहीं था और ना ही उन्हें मार्क कुछ बताता है। मार्क का दोस्त रूफस बार बार उसे कॉल कर रहा था पर वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों बाद जब मार्क रूफस के घर जाता है तब वो देखता है कि नताशा तो वहीं थी। रूफस उसे बताता है कि मैं यही बात तुम्हें बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्क की तरफ गुस्से से देखने लगती है, तो मार्क भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को अब तक वो अपना प्यार समझ रहा था वो उसे ऐसा धोखा देगी कि उसने सोचा भी नहीं था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।